हाय दोस्तों, हम बद्रीनाथ में पहुंच गए हैं। यहाँ मेन मार्केट में हैं। यहाँ सबसे बड़ा सुखी है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप बिल्कुल नज़दीक है, देखो। और दूसरा होटल वगैरह भी यहाँ नज़दीक है। और यहाँ से है ना 800 मीटर की दूरी पे मंदिर है। देखो दोस्तों, मैं आपका हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। यहाँ पे 5-5, 7-7 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। जहाँ हम रुके हुए हैं ना, इससे 2-3 बिल्डिंग पहले हेलीपैड बना हुआ है। आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ का नज़ारा। देखो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। हम बद्रीनाथ में हैं। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पे मंदिर है। 4 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखो मेरे पीछे वाला हिस्सा। हम चल पड़े हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। बारिश स्टार्ट हो गई है। ये मेरा दोस्त बनते चल रहा है आगे। बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। देखो हेलीकॉप्टर दिखा रहा हूँ आपको। अलग अलग कलर के 4 से 5 हेलीकॉप्टर हैं। एक ब्लू में है, एक ये येलो है, एक ग्रे कलर का भी था। बारिश का मौसम हो गया है, बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, फुहार आ गई है। अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आप भी देखो दोस्तों। ये देखो पहाड़ों के ऊपर बर्फ। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी मंदिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बारिश आ गई है। श्री बद्रीनाथ मंदिर। ये रास्ता आगे की तरफ बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है। ये देखो दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा पहाड़ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ बता रहे हैं, बाकी वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। ये बद्रीनाथ का मंदिर है। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है नीचे पड़काले से। अलखनंदा नदी आ गई है, भयंकर भीड़ हो रही है भाई यार। और ये बद्रीनाथ का मंदिर है, ये रहा। और यहाँ से देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखो इतनी लंबी लाइन है। ये नीचे नहाने का घाट बनाया हुआ है वहाँ पे, ये नीचे नहाने के लिए पब्लिक है। ये बद्रीनाथ का मंदिर है और चारों तरफ से पहाड़ों से गिरा हुआ। देखो बर्फ गिरी हुई है। ये इधर से आने का रास्ता है और ये इस तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी। ये नदी का बहाव देखो। ये नदी का बहाव है। यहाँ पर नारद कुंड है, इसके अंदर से बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है। ये इधर महिलाओं के लिए नहाने के लिए बना रखा है कुंड। बिल्कुल गर्म पानी है। और ये इधर आदमियों के लिए नहाने का बना हुआ है कुंड। देखो यार ये नहाने लग रहे, गर्म पानी का कुंड है ये नारद कुंड। देखो बद्रीनाथ की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये हम सभी लाइन में लगे हुए हैं। ये मास्टर जी हमारे हैं ना, इतना क्या। मैं बद्रीनाथ मंदिर के पड़काला के पड़काले पे आ गया हूँ, जहाँ मेन पड़काला है जो दोस्त हैं। जय बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ की जय हो। हाय दोस्तों, हम भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए अब मंदिर में आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ आप भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेना और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना। ओके दोस्तों, आप भी दर्शन कर लो। जय बद्रीनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय नारायण भगवान की, जय बद्रीनाथ की, तेरे दर पाए जय। भाई कॉम्प्लेन ना पिया, लो भाई बद्रीनाथ महाराज के दर्शन कर लो भाई, भाई चल जाओ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एसपी नंबर ने आलो बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई है। आने तो जिसका हमें इंतजार था, हम उस मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। आखिरकार हम दर्शन तक पहुंच गए। 3 दिन की यात्रा के बाद बद्री विशाल की जय हो। ये मंदिर का एग्जिट गेट है, एंट्री गेट इसके परली तरफ बड़ा है। मंदिर से बद्रीनाथ जी की दोग मार के बाहर आ गए हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ के, ये बद्रीनाथ स्वरूप मूर्ति है बद्रीनाथ जी की। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ जी की मूर्ति है। ये यहाँ पे अंदर आरती की जा रही है, सभी बैठे हैं यहाँ पे। जो हवन वगैरह किसी ने कराना है, आरती वगैरह करानी है, उसके बाद ये मंदिर है। श्री हनुमान जी का मंदिर है, ये श्री हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये वाला नारायण भगवान का मंदिर है, नारायण भगवान की मूर्ति है। ये क्षेत्रपाल का मंदिर है। मैंने आपको दिखा दिया मंदिर का। अब ये एग्जिट गेट है, मंदिर का बाहर जाने का जो रास्ता है वो इधर से है। चलो 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 चलो। ये एग्जिट गेट है, चला दमानी उतरा। ये वाला एग्जिट गेट है, ये देखो यहाँ से आए हम, एग्जिट गेट है, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना रखा है, जो श्रद्धालु जाने वाले हैं ना उन्हीं को थोड़ी देर रोक के और जाने का रास्ता बना रखा है।